क्या समस्या कुछ नहीं है गुंडों से, आप मेरे को मरवा नहीं रहे। तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मऊगंज जिले से, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पता नहीं किन कारणों से एसपी ऑफिस पहुंचते हैं और यहां एएसपी के चैम्बर में जाते हैं, जहां उनके सामने जमीन पर पूरी तरह दंडवत हो जाते हैं। इस दौरान विधायक जी कहते हैं कि आप मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। घटना के पीछे की वजह क्या है यह तो समझ के परे है, पर विधायक जी के इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो एक बार फिर सोशल साइट पर वायरल हुआ है। वहीं अधिकारी भी उनकी इस हरकत से भौचक्के हैं। बताया गया है कि इसके पहले मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन यहां पुलिस महानिरीक्षक मौजूद नहीं थे, जिसके बाद वह सीधे मऊगंज पहुंचे और यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एएसपी के सामने जमीन पर हाथ जोड़कर दंडवत हो गए हैं। बताया गया है इसके बाद विधायक जी सीधे अपने निवास पहुंचे हैं, जहां उनके निवास एसपी सहित एएसपी पहुंचे हैं और यहां उनसे बंद कमरे में चर्चा हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या है यह तो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन विधायक जी का यह हाई वोल्टेज ड्रामा किन कारणों से हुआ है यह समझ के परे है। वीडियो वायरल होने के बाद रीवा से भोपाल तक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और मुख्यालय में इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हम आपको बता दें, इसके पूर्व भी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल कई बार कार्यालयों में पूरी पूरी रात बैठ चुके हैं, बिस्तर बिछाकर सो चुके हैं। उसके बाद उनका यह नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मऊगंज एएसपी के चैम्बर में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने जमीन में हाथ जोड़कर दंडवत हो जाते हैं। इस घटनाक्रम के पीछे का कारण क्या है यह खुद विधायक जी भी नहीं बता रहे हैं और उनके आसपास के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने इस प्रकार की हरकत की क्यों? इस दौरान मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं कि आप मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है यह एक बड़ा विषय है। ये वीडियो मेरी भी जानकारी में आया है और आदरणीय विधायक जी ने मुझे भी एक पत्र दिया है, उसमें उन्होंने नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखा है और विगत कई दिनों से हम लोग इसमें आदरणीय आईजी साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में कार्रवाइयां नशे के विरुद्ध करते रहे हैं। अभी हम लोगों ने 7 क्विंटल गांजा पकड़ा था और अवैध शराब और कोरेक्स पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। माननीय विधायक जी ने कुछ जानकारियां और हमारे संज्ञान में लाई है, तो उसके लिए हमने टीम का भी गठन किया है और हम जो है आगे भी इसी तरह से नशे के विरुद्ध कार्रवाइयां करते रहेंगे। समस्या कुछ नहीं है गुंडों से, आप मेरे को मरवा नहीं दे रहे। सर मेरे ऐसा मत करिए, सर ऐसा ऐसा मेरे ऐसा नहीं है। कौन से गुंडे आए? अरे ना सारे गुंडे चारों तरफ बाहर बाहर मजा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल से कदम करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बोले हो आप हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो आप? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जी जी हाँ।